हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल फोरम। ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्रिएटिव और अफोर्डेबल बेबी शूट या बेबी फोटोग्राफी घर पे कैसे करें। ये वीडियो में मैंने कवर किया है कि आपको क्या टिप्स, क्या आइडियाज़ लगाने चाहिए ताकि आप बेबी शूट घर पे ही कर पाए और वो अफोर्डेबल भी रहे। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है मैंने इसमें कवर किया है डिटेल्स में, एक एक फ़ोटोग्राफी में कि क्या क्या मटेरियल यूज़ करना चाहिए, मैंने फ़ोटोज़ कैसे खींचे हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं चाहिए और ओनली फ़ोटोज़ देख के आइडियाज़ लेने हो तो उसकी लिंक, मतलब वो जो मैंने वीडियो बनाई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो उसके थ्रू आप वो वीडियो देख सकते हैं। पीपल फॉरगेट यर्स एंड रिमेंबर द मोमेंट्स। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जंखना पंचाल, आपके साथ जुड़ने के लिए आई हूँ मेरी चैनल लाइफ स्किल फोरम के साथ। आज का हमारा सेशन है आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड। आज हम देखेंगे कि घर पे थीम बेस्ड फोटोग्राफी कैसे करें, बेबी फोटोशूट कैसे करें। आजकल ट्रेंड चल रहा है, पेरेंट्स एंड कपल बेबी शूट करवाते हैं, वो इंडोर बेबी शूट हो या फिर आउटडोर बेबी शूट हो, और वो करवाना भी चाहिए क्योंकि वही होती है जो हमारी मेमोरीज गैदर करती है। वो कहते हैं ना, फोटोग्राफी इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ कैप्चर्ड। पर कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि पेरेंट्स बेबी शूट नहीं करवा पाते। रीजंस आप देख लो कि मे बी बजट प्रॉब्लम होता है, आजकल फोटोग्राफी स्टूडियोज के प्राइसेस इतने और पैकेजेस इतने हाई होते हैं कि सभी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हमारा बेबी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर पाता, कभी सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि लाइक हमें बाहर जाना हो गया, हमारे पास टाइम नहीं रहता है। और अभी की सिचुएशन ले लो, पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, इसमें लाइक जिस भी कपल ने फोटोग्राफी प्लानिंग की होगी तो वो नहीं कर पाए होंगे, बहुत सारे रीजंस है। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा बेबी का मूड चेंज होता है, वो कब चेंज होता है हमें उसके मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। उसकी कंफर्टेबिलिटी हमें देखनी है, लाइक उसको नींद आती रहती है छोटा होता है तो, या फिर मूड में नहीं होता, उसको खाना होता है, ऐसा सब होता रहता है, उसका मूड स्विंग होता रहता है। हम लाइक बोल नहीं सकते कि उसका मूड कब चेंज होगा, तो ऐसे में लाइक हम घर पे ही फोटोग्राफी करें तो वो उसके लिए भी कंफर्टेबल रहता है और वो हमारे लिए भी कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बेबी शूट घर पे करने के लिए आपको मटेरियल कौन सा लगेगा, आइडियाज़ कौन से आप लगा सकते हो, ट्रिक्स कौन सी यूज़ कर सकते हो, क्या एडवाइजेबल रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बिकॉज एवरी पिक्चर हैज़ अ स्टोरी टू टेल। इट इज़ मोर एडवाइजेबल कि आपने जो भी बैकग्राउंड सोच के रखा है वो बैकग्राउंड की प्रिपरेशन आप पहले ही कर दीजिए। आपका बेबी जब एक्टिव होगा तब वो बेबी को बैकग्राउंड पे आप रख के फोटोग्राफी कीजिए, विट इज़ मोर एडवाइजेबल। और हमेशा लाइटिंग का ध्यान रखें कि लाइटिंग उस पर फोकस आना चाहिए, हमेशा टॉप लेवल ना भूलें और आई लेवल पे फोटोग्राफी करें। हमेशा मल्टीपल शॉट्स लीजिए और उनमें से बेस्ट कौन सा है वो चूज़ कीजिए, क्योंकि बेबी कभी भी हाथ पैर मारता रहेगा और जो आपको लाइक शॉट चाहिए वो अंदर नहीं आ पाता, इसलिए आप मल्टीपल फोटोग्राफी के शॉट्स लीजिए। सो मैं आपको दिखाने चाहूँगी कुछ पिक्चर्स जो मैंने क्लिक किए हैं और उसमें ही आपको मैं ट्रिक्स बताऊँगी। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हमारा ये रहेगा शकुंतला थीम। आप पिक्चर में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो पिक्चर है मैंने शकुंतला थीम बेस्ड बनाया है, उसमें मैंने मेरी डॉटर को शकुंतला का लुक दिया है। उसने जो पहन रखा है वो मैंने, मेरी पास ओल्ड टी शर्ट थी उसमें से मिनी ब्लाउज और मिनी स्कर्ट बनाया है जो उसको शकुंतला का लुक दे रहा है। ऊपर से शकुंतला आप याद करोगे तो जंगल और फ्लावर्स ही रिफ्लेक्ट होते हैं माइंड में, तो मैंने उसे हाथ में मटकी में फ्लावर्स दिए हैं, मैंने उसको गले में फ्लावर्स की माला पहनाई है, हाथों में फ्लावर्स की माला है, पैर में फ्लावर्स की माला है। आप देखोगे तो राइट हैंड साइड पे जो वृक्ष आपको दिख रहा है उस पे भी मैंने फ्लावर्स लगाए हैं, पर मेरे पास फ्लावर्स ज़्यादा नहीं थे तो मैंने एडिटिंग किया है। एक्चुअली
मैं जब फ़ोटो शूट करती हूँ उसमें मुझे कुछ खालीपन दिखता है या फिर मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं होता, तो प्ले स्टोर से आप बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है इमेजेस एडिटर की, तो वो डाउनलोड करके आप उसमें से एडिट कर सकते हो अपने पिक्चर को। तो मैंने वही किया है, मैंने फ्लावर्स और फ्रूट्स उससे डाले हैं पिक्चर में। आप नीचे की साइड देखोगे तो नीचे लीव्स एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स पड़े हैं। नीचे छोटी सी बास्केट पे मैंने फ्लावर्स डाल के रखे हैं, मैंने फ्लावर वास में फ्लावर्स डाल के रखे हैं। फिर मैंने, आप ऊपर देख रहे हो कि पर्वत जैसा कुछ है, वो मेरे पास ओल्ड कुशन थे के कवर थे तो उसका मैंने यूज़ किया है। मैंने स्काई को ग्रीन कलर का कुछ बनाया है और मैंने पूरा बैकग्राउंड जो है उसमें एक मेरे पास येलो कलर की चादर थी वो मैंने यूज़ की है। और मैंने पाथ बनाया है वाइट कलर का, वो एक्चुअली जंगल में जाने का पाथ है, ऐसा कुछ मैंने बनाया है। बेबी को जो मैंने सिर पे पहनाया है वो फ्लावरी हेयरबैंड है। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है उसका बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किया है 6x6 के एक बड़े से बेड पे, तो वो मैंने टॉप मोड से फोटोग्राफी की है सो दैट ये पूरा पिक्चर मैं कवर कर पाऊँ। आई होप यू वुड लाइक इट। नेक्स्ट पिक्चर हमारा है शेफ थीम पे। बेबी को मैंने शेफ का लुक दिया है। आप पूरा बैकग्राउंड देखोगे तो लाइक पीछे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक खुद से बनाया है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि बेबी 8 मंथ्स का है। मैंने राइट हैंड साइड पे कप एंड सॉसर लिए है। लाइक इसमें आप किचन में आपके यहाँ कुछ भी जो अवेलेबल हो उसको बैकग्राउंड में रख सकते हैं। जैसे लेफ्ट में मैंने कुछ फ्रूट्स रखे हैं, फिर मैंने जूस रखा है, आगे आप देखोगे तो ऑनियन और पोटैटोज, और बेबी के हाथ में जो है उस पर मैंने थोड़ा सा वीट फ्लोर डाल के रखा है, तो बेबी उससे खेल रहा है और मैं उसकी फ़ोटोज़ खींच रही हूँ। तो ये आई लेवल पे मैंने फ़ोटोग्राफी की है और बेबी को लाइक जो पहना रखा है वो मैंने, मेरे पास ओल्ड कपड़ा था तो मैंने उसमें से शेफ जैसा पहनता है एप्रोन, वैसा छोटा सा एप्रोन बना के उसको पहनाया है। आप उसके सिर पे देखोगे तो मैंने वो जो स्टेशनरी पेपर मिलता है क्राफ्ट पेपर, उस पर शेफ जल, जल उसका नाम है, मेरी डॉटर का नाम है, तो शेफ जल लिख के मैंने उसको राउंड ऐसे कैप के जैसे उसको पहना के रखा है, तो उसको शेफ जैसा लुक दे रहा है। नेक्स्ट हमारा जो पिक्चर है वो है क्लोथ्स लाइन थीम। मैंने बेबी को लाइक हैंगर पे, सॉरी मैंने ये हम कपड़े सुखाते हैं वैसे मैंने उसको सुखा रखा है, वैसे मैंने थीम सिलेक्ट किया था। आप देख रहे हो कि मतलब बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, वो मेरे पास एक चुन्नी थी वो मैंने लगाई है, नीचे मेरे पास फ्लावरी चादर थी वो मैंने लगाया है, नीचे छोटी सी मटकी रखी है, जैसे विलेज का सीन थोड़ा क्रिएट किया है कि कोई लेडी है जो कपड़े सुखा रही है तो अपने बेबी को भी सुखा दिया है। वाइट आप देखोगे तो वो मैंने, मेरे पास वाइट कलर के कुछ छोटे छोटे कपड़े थे तो उससे मैंने क्लाउड बनाया है, फ्लावर्स रखा है, नीचे थोड़े कपड़े डाल दिए हैं और क्लोथ्स पिन डाल दिए हैं। दूसरा आपको थोड़े से येलो फ्लावर्स और पैरेट और सन मैंने एप्लीकेशन से उठाया है। जब मेरा बेबी एक्टिव था तब मैंने वो बेबी को वो बैकग्राउंड पे रखा। तो हमारा नेक्स्ट पिक्चर है पेंटर थीम। इसमें मैंने बेबी को लाइक ही इज़ और शी इज़ पेंटिंग ऐसा कुछ मैंने बताया है। बैकग्राउंड में पीछे जो भी लाइक आपको दिख रहे हैं ड्राइंग्स हैं तो ये मैंने खुद से बनाए हैं। मुझे हॉबी है ड्राइंग्स की, तो मेरे पास ये सब कलर्स और ये सब आपको जो पिक्चर में मटेरियल दिख रहा है वो सब मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने उसी से बैकग्राउंड क्लियर किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब घर पे बेबी का फ़ोटोशूट करते हैं तो घर पे हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसी का यूज़ करके हम फ़ोटोशूट कर सकते हैं। तो ये मैंने, मेरे पास बहुत सारे पेंटिंग के मटेरियल्स थे तो मैंने उसी का यूज़ करके एक पेंटर थीम बनाया है। आप देख रहे हो कि उसके हाथ में कलर्स है और वो कलर्स कर रही है और ये सब आपको लाइक पैलेट दिखेगी, कलर्स दिखेंगे। तो मैं समझती हूँ कि सब
सबकी हॉबी नहीं होती है ड्राइंग करना, या फिर सबके पास इससे सब मटेरियल भी नहीं होता है, पर कुछ कुछ मटेरियल तो होता ही है। और आप पीछे जैसे मैंने ड्राइंग रखे है, तो आपके पास कुछ फ़ोटो फ्रेम्स है, आपके पास आजकल सबके पास घर पे फ़ोटो फ्रेम्स तो होती है, उसको आप रख सकते हो, हैंग कर सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसा बना सकते हो कि रिफ्लेक्ट करे कि आपके बेबी कितने मंथ्स का है। और कुछ कलर्स वलर्स थोड़े बहुत तो होते ही है सबके पास, और क्राफ्ट मटेरियल भी, तो वो यूज़ करके आप ये थीम, पेंटर थीम, आप बेबी शूट में ऐड कर सकते हो। क्रिएटिव बेबी शूट एट होम का पार्ट वन है ये, पार्ट टू के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।